इंदौर पुलिस ने गैंगस्टर सलमान लाला को जेल भेजने के बाद अब ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसने विश्वासघात कर अपने ही परिचित के घर से 10 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस ने न सिर्फ मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार किया बल्कि चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के कादलीपुरा में रहने वाले शहजाद खान का परिवार शाम के समय जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। उसी दौरान मौका पाकर आरोपी सलमान दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया और करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। घटना में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक मोटरसाइकिल का नंबर मिला है जिसके आधार पर पुलिस मोटरसाइकिल के जरिए एक ज्वेलर्स के पास तक पहुंची और खुद खरीदारी करने पहुंची पुलिस ने ज्वेलर्स से पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले सलमान सहित चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, आरोपी के साथ सोने के आभूषण बेचने गई उसकी पत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी वह पुलिस गिरफ्त से बाहर है। एडिशनल DCP डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया कि आरोपी मुख्य सलमान का फरियादी के घर पर आना जाना था, इसी के चलते मौका पाकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। वहीं अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ की जा रही है। एक नकबजनी घटना हुई थी शाम के समय छतरीपुरा थाना क्षेत्र में जिसमें लगभग 20 तोला सोना गया था और उसमें पुलिस ने तत्काल विवेचना प्रारंभ करी। इवन कल ही इसके फरियादी जनसुनवाई के दौरान ही मेरे पास आए थे कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है आरोपी की, तो लगातार पुलिस इसके पीछे थी और आरोपी जो है इसमें जो मुख्य आरोपी था सलमान उसको गिरफ्तार कर लिया जिसने चोरी करी थी। सलमान का उसके घर में आना जाना था और ऐसा पता चला है कि वो जानता था, इसलिए उसने पूरा जानकारी के कारण उसने एक दिन मौका पाकर उसमें चोरी की थी और लगभग 20 तोला सोना उसने चुराया था और इसकी पत्नी के साथ ये सोना बेचने गया था। पुलिस ने जब लंबी विवेचना करी और लंबा एक ट्रैक बनाया तो ये क्लियर हुआ कि ये सोना जो है इसने अंसार ज्वेलर्स के यहाँ बेचा था, तो अंसार ज्वेलर्स का जो मालिक है सोहेल वो भी उसमें आरोपी बनाया गया और उससे आरोपी जो दोनों हैं और तीन आरोपी हो गए एक्चुअली, उसकी पत्नी भी आरोपी जो साथ में उसके बेचने गई थी सलमान की और अंसार ज्वेलर वाले ने इसको चोरी का माल जानते हुए खरीदा था इसलिए वो भी आरोपी हो गया और इसमें सलमान को और सोहेब को जो इसका खरीदने वाला है दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पत्नी अभी फरार है। प्रकरण में जो माल गया था चोरी गया था वो लगभग सारा माल बरामद कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है, इसमें PR हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि अन्य अगर घटनाएं इससे निकलती हैं तो उनको निकालें। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।